नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन। मैं हूं कनक बिष्ट। चले रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उप प्रमुख ललित मोहन शर्मा के नेतृत्व में शिवसेना ने पार्टी कार्यालय पर केंद्र और प्रदेश सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में सभी शिवसेना कार्यकर्ताओं ने आहुति डालकर सरकार की बुद्धि को शुद्ध करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। वहीं शिव सैनिकों ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर करने की मांग भी सरकार से की और अपने दफ्तर पर मुजफ्फरनगर हटाकर लक्ष्मी नगर लिख लिया। वहीं उन्होंने सरकार पर 4.5 साल से कोई भी वादा ना पूरा करने का आरोप लगाया। आज शिवसेना कार्यालय पर हवन पूजन का कार्यक्रम है और ये हवन पूजन केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए है और एक बार फिर मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करने की मांग को लेकर शिवसेना ने एक बार पूरी अपनी तैयारी की है और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा अनुरोध है, उनसे हमारी मांग है कि वो दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करें और मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मी नगर करें। मुजफ्फरनगर से अक्षय ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चंदौली में LBS डिग्री कॉलेज छात्र संघ चुनाव में नामांकन के दौरान छात्रों ने जमकर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हंगामे के चलते दोनों तरफ की सड़क पूरी तरह जाम हो गई। जाम की वजह से स्कूल के बच्चे और एक एम्बुलेंस काफी देर तक फंसी रही। एम्बुलेंस में गर्भवती महिला घंटों प्रसव पीड़ा में तड़पती रही। बाद में करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को जाम से निकलवाया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को किस तरह खदेड़ कर अलग किया। वहीं जहां एक तरफ नामांकन प्रक्रिया के दौरान हंगामा कर प्रत्याशी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते रहे तो वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन के लोग कॉलेज परिसर में आराम फरमाते रहे, जिनका कहना था कि विद्यालय परिसर के बाहर का मामला पुलिस ही देखेगी। रामपुर से आ रहे हैं, डिलीवरी का पेशेंट है, अभी जाम लगा है, क्या करें, खड़े हैं। अब इमरजेंसी क्या, डिलीवरी है तो इमरजेंसी तो है ही है। हम भी सोच रहे हैं कितना जल्दी पहुँचा दें हॉस्पिटल। हम जाम में फंसे हुए थे, जा रहे थे धीरे धीरे, 10-12 लोग आए, धड़ाधड़ मारने लगे। एक आदमी तो हमारे ऊपर ही मारने गया था, हल्का से लगा, फिर हम दरवाजा बंद करके भागे तुरंत। पता लगा है कि 2 गुटों में थोड़ी विवाद हुआ है, एक आध जगह जो है हल्की फुल्की, और तो कोई खास सूचना नहीं। नहीं, अब कॉलेज प्रशासन उसको अपने ढंग से नहीं देख पाएगा क्योंकि हमारा कार्य जो है वो जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उसमें हमारी फोर्स जो है ठीक से काम कर रही है। चंदौली से अजय राय की रिपोर्ट। वक्त चले ब्रेक का, अब बने रहे नेशन वन के साथ। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। टीकमगढ़ के जतारा में आवास और शौचालय फीड कराने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। क्षेत्र के नूना तगेड़ी गांव में सरपंच सचिव आवास और शौचालय देने के नाम पर गांव वालों से 500 से 1500 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। वहीं कुछ गरीब गांव वालों ने आवास योजना का लाभ उठाने के लिए अपना अनाज तक बेच दिया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें आवास प्रदान नहीं हुए। ये परेशानी है कि सबके पैसा ने आवास ने कर रहा, हमने कही तो हमसे 500 रुपए लिए जा रहा है कि 500 रुपया दो, पैसा एक नहीं था, हमने पीसी बी एच के पैसा दिए। जी परेशानी है कि घर जाके पैसा मांगत के बताओ आवास ने कहा आवाज रात दीप शहर में जी सरपंच पहुँचाओ, सरपंच लगे संग ऊँची बोले की आवास ने कहा वहाँ। जतारा एमपी से सुधीर गुप्ता की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में परिषदीय स्कूलों में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। वहीं इन खेल प्रतियोगिता के आयोजन के खर्च के लिए BSA ने मौखिक रूप से एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जहां शिक्षकों को चंदा इकट्ठा करने का जिम्मा सौंप रखा है, जिसके चलते स्कूल का पठन पाठन खासा प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में कोई स्कूल 10 बजे खुल रहा है तो कोई स्कूल 11 बजे। बता दें कि स्कूल खुलने का टाइम 9 बजे का है, लेकिन इसमें इन शिक्षकों की भी गलती नहीं है। जिले के BSA के आदेश की आपूर्ति करना भी तो जरूरी है, फिर चाहे बच्चों के स्कूल में क्लासेस लगे या ना लगे। मेरा नाम अफीक है, मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय का नाम पढ़ रहा हूँ। 10 बजे अध्यापक आए हैं कि नहीं आए हैं? अभी नहीं, बैठे रहते हैं, नहीं पढ़ते चले। उसके बाद हम NPRC हैं, गए थे जो है रोमा पोमा क्या बोलता है तिवारीपुर गए हैं, उसके बाद फिर हमको चंदा लेना था, फिर हम वहाँ पटखौली गए। वो चंदा ये था जो है कुछ ब्लॉक रैली वैली में लगना था, इसीलिए वो नहीं चंदा नहीं वो सहयोग है। उसके बाद में कुछ हमारी समस्या ये होगी, गाड़ी गड़बड़ हो गई, नहीं हमारे यहाँ मध्यान्ह भोजन बनता है, सब कुछ बनता है, और ऐसी बात नहीं है। और बच्चों से आप पूछ लीजिए बनता है कि नहीं बनता है, ये हम कहें तो आपको जो है नहीं। हमारे बच्चे जो है सब लोग करती हैं, सब कर ले रहते हैं, लेकिन बच्चे कभी कभी अपने खुद कर लेते हैं, नहीं कभी कभी नहीं लगा लेते हैं, ये अपने सोखिया लगाते हैं, नहीं सारा काम जो रसोईया करती हैं। अच्छा है, किस रैलियों के लिए कोई भी
प्रशासन द्वारा प्राप्त नहीं हुई है। ये सभी अध्यापक मिल करके आपस में कंट्रीब्यूट करके इन खेलों का आयोजन करते हैं और जिले स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है वो स्वयं स्वेच्छा से जो है आपस में पैसा कंट्रीब्यूट करके ये आयोजन किया जाता है। इसके लिए कोई शासन से धनराशि प्राप्त नहीं होगी और वो हम MDM प्रभारी से जान करके उसके विषय में जवाब देंगे और कार्रवाई की जाएगी अगर ऐसा है। सिद्धार्थनगर से अरुण शुक्ला की रिपोर्ट। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।